हेलो हाय एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने वांट टू का यूज करना सीखा था, राइट? वांट टू का यूज वी हैव लर्न्ड हाउ टू यूज वांट टू इन आवर सेंटेंसेस, राइट? वांट टू का मतलब क्या था? चाहना। कोई भी काम हम करना चाहते हैं उसके लिए हम वांट लगा के बोलते हैं, राइट? मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी। मैं पढ़ना चाहता था, हमने एग्जाम्पल सीखा पास्ट की बात करने के लिए, सेकंड फॉर्म लगती है आई वॉन्टेड टू स्टडी, राइट? वह मुझसे मिलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू मीट मी। वह मुझसे मिलना चाहता था, ही वॉन्टेड टू मीट मी। ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल द सेंटेंसेस विच वी हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास, राइट? एक चीज और छूट गया था, वॉन्ट टू को हम वना भी बोलते हैं, वना। दैट इज द अमेरिकन वर्ड है, अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है, ठीक है? जहाँ जहाँ वॉन्ट टू आएगा वहाँ क्या लगा देंगे? वना। जैसे लेकिन ये बोलने में ध्यान रखना, बोलने में ज़्यादातर यूज होता है, लिखने में तो हम वॉन्ट टू यूज़ करेंगे, दैट इज द ब्रिटिश इंग्लिश। इन इंडिया वी स्पीक टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश, वन इज द अमेरिकन वन एंड देन वी एंड अनदर वन इज ब्रिटिश वन, ठीक है? ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का यूज़ करते हैं। तो अमेरिकन इंग्लिश में वॉन्ट टू को वना बोलते हैं और वॉन्ट टू को वॉन्ट टू बोलते हैं ब्रिटिश में। क्लियर है इतना? अब जो सेंटेंस हम वॉन्ट टू लगा के बोल रहे थे, हम वना लगा के भी बोल सकते हैं। लाइक मैं पढ़ना चाहता हूँ, I want to study बोल रहे थे, what we will say? I wanna study। मैं खेलना चाहता हूँ, I wanna play। क्या बोलना है? ठीक है, मैं उड़ना चाहता हूँ, I wanna fly। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, I wanna speak English। तो दिस इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, किसका? Want to का और wanna का, that is same thing, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, अगर थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करूँगा कि वह पढ़ना चाहती है, तो she wants टू स्टडी, ऐसे ही बोलते हैं ना, या ऐसा ये लग जाता है। यहाँ पे वना नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अलग हो गया, या वॉन्ट्स टू ही बोलेंगे। पास्ट में बोलना है वो पढ़ना चाहती थी, तो शी वॉन्टेड, सेकेंड फॉर्म लगती है ना पास्ट में, शी वॉन्टेड टू स्टडी। तो यहाँ भी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अलग है, केवल वॉन्ट टू में। यहाँ नहीं बोलोगे शी वॉन्ट स्टडी या शी वॉन्ट स्टडी, दैट वुड बी रॉन्ग सेंटेंस इफ यू विल स्पीक।